नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इंसान के जन्म के साथ ही जन्म लेते हैं उसके रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, उससे जुड़ा हर रिश्ता उसे सौगात में मिलता है। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा होता है जिसे वो खुद चुनता है, और वो रिश्ता होता है उसके जीवन साथी का। दो लोग मिलते हैं, भगवान को साक्षी मानकर पवित्र अग्नि के इर्द गिर्द फेरे लेकर एक दूसरे को वचन देते हैं कि वो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनेंगे। इनमें से कुछ रिश्ते इन वादों या वचनों का जीवन भर पालन करते हैं और कुछ ऐसा नहीं कर पाते और एक दूसरे का साथ और हाथ छोड़कर अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपने जीवन साथी को उसी आग में झोंक दिया हो जिसके इर्द गिर्द उसने उसकी रक्षा की कस्में खाई थी? जी मैं इस होटल का मैनेजर केदार हूँ। वो क्या है ना, मेरे जो सर जी है ना, मालिक है ना, वो नेशनल यूथ के प्रेसिडेंट है और पुराने चुनाव में बहुत सारे पेपर और बैनर पोस्टर रह गए थे ना, तो वही जला रहा था। इधर कोई आग वाग नहीं लगी साहब। मुझे कागज और कपड़े की महक नहीं लगती है, हट तू। साहब मेरी बात सुनो, इसमें सिर्फ बैनर और वो है, कुछ नहीं। अरे सर, हाँ साहब, ये तो किसी इंसान का पैर लगता है। मैंने कुछ नहीं किया। किसी औरत की लाश रखी होटल का जो भी स्टाफ सबसे पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ देखा हो। सर सर, ये देखिए खून लगा हुआ है। ये जो कोई भी है शायद इसी में लपेट कर रखा गया था इसे। सर वो मैनेजर केदार शर्मा जो लाश जला रहा था उसके कपड़ों को भी खून लगा हुआ था। सर त्रिपाल को देख के तो लगता है कि इसको कहीं और मारा गया, पर मारने के बाद इस्तीफाल में लपेट के यहाँ लेकर आ गया। सर सर ये देखिए, गार्डन एरिया से पायल मिली है, शायद औरत की लाश। सर यहाँ पे गार्ड स्टाफ सबसे पूछताछ करी है, लेकिन सर किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। तंदूर में एक लाश ठिकाने लगाई जा रही और किसी ने कुछ नहीं देखा। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस केदार शर्मा को लॉकअप में लेकर आओ, तो इससे वही बात करें। औरत की लाश को तंदूर में डाल के जला रहा था, बिना जाने वो कौन है? ऐसा करने के लिए मुझे मेरे मालिक सुनील वर्मा जी ने बोला था। सुनील वर्मा वो नेशनल पार्टी के यूथ विंग का प्रेसिडेंट। सर सुनील के घर का लैंडलाइन को उठा नहीं रहा है। किसी को भेजो उसके घर पता करने के लिए, पर पार्टी के ऑफिस में भी जाकर पता करने को बोलो। सर
इसके अलावा उसके गाड़ी का नंबर भी पता चला है। सफेद कलर की एक छोटी गाड़ी चलाता है। गाड़ी का नंबर है DL2Z2454। दिल्ली के सभी ट्रैफिक बीट्स को वायरलेस पर नंबर भेजकर अलर्ट रहने को बोलो, खासकर शहर से बाहर निकलने वाले हाईवे पर, क्योंकि अगर इस सुनील वर्मा का इस केस से कुछ भी लेना देना है तो वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश जरूर करेगा। सब हमें सुनील वर्मा से मिलना है, आपकी पार्टी की यूथ विंग के प्रेसिडेंट जी। सुनील जी तो घर के लिए निकल गए। कब निकले? वही कोई 7:45 के आसपास। लेकिन वो तो घर पे नहीं है, उनके घर पे तो ताला लगा हुआ है। कोई आइडिया है वो कहाँ जा सकते हैं? जी नहीं साहब, लेकिन बात क्या है, कोई मैटर हुआ क्या? आपके सुनील जी के रेस्टोरेंट के जलते हुए तंदूर से एक औरत की लाश बरामद हुई है। अगर उनसे आपकी बात होती है तो उनको बोल दीजिएगा कि हमें कॉन्टैक्ट करें जितनी जल्दी हो सके, वरना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं जो आपकी पार्टी की छवि के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेलो संदीप जी, आपके लिए जबरदस्त खबर है। प्रभाकर, सुनील के इस तरह गायब होने के पीछे सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, या तो वो मुजरिम है और फरार हो गया है, या फिर उसे वाकई में कुछ पता नहीं है और किसी काम से बाहर गया हुआ है। लेकिन सर, उसके पार्टी ऑफिस में उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो उसकी फैमिली? माँ बाप है सर, अलग रहते हैं लाजपत नगर में। मैंने एड्रेस निकाल लिया है। चलो मिलते हैं। सर जी नहीं, पिछले 2 दिन से कोई बात नहीं हुई उससे। बहुत बिजी रहता हमारा पुत्र, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और ऊपर से पार्टी के इतने झमेले, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता उसको। पर आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? It's gruesome. हमने बॉडी की ऑटोप्सी की है। इनिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार 60% बॉडी जल चुकी थी। शरीर के अंदर के सभी फ्लूइड्स जैसे विसरा वगैरह वेपोराइज होकर खत्म हो चुके थे। स्टोमक में 500 मिलीलीटर लिक्विड मिला है। आई थिंक इट्स अल्कोहल मिक्स्ड। बड़ी ही दरिंदगी से बॉडी को जलाया गया। हम बॉडी का एक्सरे कर सकते हैं। लेकिन क्यों? आई डोंट नो, पर मुझे लग रहा है कि शायद एक्सरे से हमें कुछ मदद मिलेगी। ओके, पर हमारी एक्सरे मशीन इस वक्त काम नहीं कर रही है। जैसे ही शुरू होती है हम एक्सरे निकाल लेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है इसे हमें कुछ एडिशनल खबर मिलेगी। वो बॉडी नहीं, जले हुए मांसों का ढेर है। मस्त से कि ऐसी घिनौनी वारदात मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। Have a seat. Thank you, sir. वैसे अपनी जांच को लेकर हम कहां तक पहुंचे? सर अब तो कोई खास तरक्की नहीं हुई। सुनील वर्मा भी हमारे हाथ नहीं लगा, शायद फरार हो गए। तुम क्या जानते हो? सुनील वर्मा नेशनल पार्टी की यूथ विंग का प्रेसिडेंट। जी हाँ सर, जानता हूँ। आप मुझे ये फैक्ट कंसिडर करने को कह रहे हैं? नो, एब्सोल्युटली। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि ये केस किसी भी कीमत पर सॉल्व होना ही चाहिए। That's all. Yes, sir. और हो सकता है हम पर पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला जाए। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं हैंडल कर लूंगा। और एक बात, इस केस के बारे में तुम मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करोगे, करेक्ट? सर, विक्टिम की आइडेंटिटी सामने आई? सर फिलहाल सिर्फ इतना पता चला है कि विक्टिम फीमेल है, लेट 20s और मिड 30s के बीच की। इस केस को सॉल्व होने में विक्टिम की आइडेंटिटी का सामने आना बहुत जरूरी है। सर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर पता लगेगा। सर, देश की राजधानी में एक औरत को इतनी बेरहमी से तंदूर में जला दिया जाता है, क्या कहना है आपका? सर घटनाओं को पूरी रात बीत चुकी है, अभी तक कातिल का कोई पता नहीं लगा। दिल्ली पुलिस नींद से कब जागेगी? क्या कहना है आपका इस पर? सर पूरे शहर ही नहीं संपूर्ण देश में भय की लहर दौड़ चुकी है, कौन है कातिल? देखिए हमारी जाँच फिलहाल जारी है, हमने कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान की है लेकिन उनका नाम पब्लिक नहीं कर सकते। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही जघन्य और निंदनीय है, लेकिन हम पब्लिक को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपराधी बहुत जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। इस केस के जो भी डेवलपमेंट्स हैं आपको सूचित कर दिए जाएंगे। नो प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो कंट्रोल रूम, जिस सफेद गाड़ी नंबर DLX
SX1872 के लिए अलर्ट जारी किया गया था, वो हमें करोल बाग में खड़ी मिली है। हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके सर, ये घड़ी मिली है। इन सैंपल्स को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजो और इस गाड़ी को भी। सर, सुनील वर्मा आपके पड़ोसी हैं, आप जानते हैं उन्हें? जी हाँ, हम जानते हैं। वो यहाँ अकेले रहते थे? नहीं जी, उनकी बीवी भी साथ में रहती है, रहना नाम है उनका। दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे? अब जी शुरू शुरू में रहने आए ना, तब तो बड़ा ही प्यार था दोनों में। बाद में तो राम जाने की से आपा हो गया, दोनों के झगड़े दी आवाज आती थी। चलो ऊपर चलो, सोने चलो। तुम जाओ, मेरा जब मन करेगा मैं आती। रहना बोला ना, ऊपर चलो। अरे क्या रोज की रोज तुम्हारा ड्रामा है, कहाँ ना जाओ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुत्ता पाल रखा है तुमने घर में? चलो ऊपर चलो। चुप रहो, बाहर पड़ोसी सुन दोगे तो क्या बोलेंगे? तुम्हारी वजह से सुना जा रहा है सब कुछ। ठीक, पूरा घर अच्छे से छान मारो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रख, एविडेंस कहीं भी हो सकता है, इसलिए कोई भी फिंगरप्रिंट, कोई भी एविडेंस खराब ना हो। गो सर। सर, ये देखिए रिवॉल्वर के बुलेट्स के खाली शेल्स, और इधर देखिए सर, खून के धब्बे चारों तरफ है। ये देखिए सर, बाल भी मिला। मुझे तो लगता है उस औरत को इसी कमरे में मारा होगा। सर ये देखिए, ऊपर कबर्ड से डायरी मिली है और इसमें कुछ लिखा हुआ भी है। सुनील लव्स रैना लव्स सुनील। प्रभा करो, देखो एसी के प्लाई में भी बुलेट का मार। ये डायरी, बुलेट्स, ये बाल और वो प्लाई सब कलेक्ट करो और फॉरेंसिक में भी। सर, मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं लगता कि जो लाश हमें मिली है वो सुनील वर्मा की पत्नी रैना की है। अंदाजा तो मेरा भी यही है प्रभाकर, लेकिन सिर्फ अंदाजे के आधार पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हो सकता है कि वो औरत कोई और ही हो जिसे सुनील और रैना ने मिलकर मार दिया हो और फिर फरार हो गए। ऐसा करो, रैना के माँ बाप को शिनाख्त के लिए बुलाओ। अगर उन्होंने बॉडी को पहचान लिया तो हमारे अंदाजे को आधार मिल जाएगा और इस बॉडी को पहचान। तब तक मैं पार्टी के ऑफिस में जाकर पता करता हूँ, शायद सुनील के बारे में कोई क्यू मिले। सब बैठिए बैठिए इंस्पेक्टर साहब। और छोटू, और पानी पिलाए इंस्पेक्टर साहब नू। जी मैं हूँ बल्ला, पार्टी की यूथ विंग का नेशनल प्रेसिडेंट। सुनील दिल्ली विंग का था, मैं नेशनल का हूँ। रैना को जानते थे आप? हाँ जी, बहुत अच्छे से। वो भी हमारी पार्टी की वर्कर थी, वुमेन्स विंग की, जनरल सेक्रेटरी, बस इसी नाते से जानते थे। अगर मैं आपसे उन दोनों के आपसी रिश्तों पर प्रकाश डालने को कहूँ तो? अब जी आपसी रिश्ते के बारे में हम क्या बोल सकते हैं जी, पार्टी पॉलिटिक्स और यूथ की प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात हुआ करती थी, पर्सनल लेवल पर कभी बात हुई नहीं। पर यूं को तो खुश ही दिखते थे एक दूसरे के साथ। आइए।
नहीं नहीं, ये हमारी रहना नहीं हो सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस जले हुए मांस के टुकड़े को देखकर कैसे पता चलेगा? सरेना के पेरेंट्स बॉडी की शनाख्त नहीं कर पाए और सुनील वर्मा भी हमारी पहुंच से काफी दूर, which means we are at the dead end again. क्या हम लोग ये जानते हैं कि सुनील वर्मा ने मर्डर वाली रात सौराष्ट्र भवन में गुजारी थी? नहीं सर, पर ये इंफॉर्मेशन आपको डोंट फील बैड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेस हम लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर रही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्दी हमारी सबसे बड़ी ताकत है वही वर्दी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सर मैं आज ही उस रिपोर्टर को अपने साथ मिला लूं। जी रंजन, दिमाग से काम, सावरकर वहां पहुंच गया जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए। और एक बात याद रखना, जब पत्रकार और पुलिस सच की खोज में हो तो दोनों के साथ में चलने में ही भलाई है। सर सुनील वर्मा के घर के कॉल डिटेल्स। कत्ल वाले दिन एक ही नंबर पर दो बार बात हुई, एक बार बहुत देर तक और दूसरी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। सर इन नंबर में पहले मेरा भी डाउट गया था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पता किया तो हमें ये पता लगा कि किसी मकबूल कासिम के नाम पर ये नंबर है। सर मकबूल कासिम वही बंदा है जो रैना जी के साथ एक ही पार्टी में काम करता था, और हमारी इंक्वायरी में हमें ये भी पता लगा कि ये दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सर काफी स्ट्रांग लीड है, मुझे तो लगता है हमें अभी चल के इस मकबूल कासिम से मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए, लेकिन अकेले नहीं। कौन चलेगा हमारे साथ? हेलो समाचार इंडिया। सर सॉरी आपको वेट करना पड़ा। इट्स ओके। आप लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं? मतलब बात क्या है? आइए। संदीप जी आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और हमारा काम भी इन्वेस्टिगेशन का ही है। आप सरकार के लिए काम करते हैं और मैं अखबार के लिए, लेकिन हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, देश और जनता की सेवा। तो कीजिए ना, किसने रोका है? रोक कोई नहीं रहा है, लेकिन कई बार यह होता है कि लोग हमारी वर्दी देखकर घबरा जाते हैं और अपना मुंह नहीं खोलते। लेकिन आपके सामने बेझिझक सब कुछ बता देते हैं। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते। अच्छा शेर, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, तो समझा दीजिए। जिस तंदूर कांड पर आप काम कर रहे हैं उसकी जांच में हमें एक अहम सुराग मिला है, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते। ओके। इस दयानतदारी की वजह? दयानतदारी नहीं, डील। कैसी डील? इस केस की हर इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिवली, लेकिन आपको भी इस केस की हर इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक जब तक वो इंफॉर्मेशन न्यूज बनकर मेरे अखबार में छप नहीं जाती। मंजूर है? जी आप लोग, आपसे कुछ बात करते। आई रैना को कैसे जानते हो? रैना और मैं एक ही पार्टी में काम करते हैं। बात क्या है? रैना ठीक तो है ना? आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार 2 दिन पहले फोन पर बात हुई थी। और वो बातचीत कितनी देर तक चली थी? एग्जैक्टली तो याद नहीं है मुझे, लेकिन आई थिंक 1 घंटा या फिर उससे ज्यादा। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आखिर बात क्या है? लेकिन उस 1 घंटे की बातचीत के बाद भी शायद आपकी बातें पूरी नहीं हुई, इसलिए रैना ने आपको दोबारा कॉल किया था। हाँ सर कॉल आया था उसका, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता फोन डिस्कनेक्ट हो गया। प्लीज आप मुझे बताएंगे कि आप इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रैना ठीक तो है ना? शायद नहीं। बॉडी की शिनाख्त के लिए आपको हमारे साथ मोर्ग चलना होगा। बॉडी मतलब वो लाश जो तंदूर में मिली थी, आपको लगता है कि वो रैना की थी?
मकबूल क्या ये रहना है? मकबूल। हाँ सर, ये रहना ही है, सहना ही है ये। इसके माँ बाप भी इसे पहचान नहीं पाए थे, तुमने कैसे पहचान लिया? सर वो माँ बाप है, भीगी आंखों से शायद इसे पहचान नहीं पाए होंगे। रिले भी शॉकिंग है, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर देखा है, ये रहना ही है। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन बिना बताए शहर छोड़कर मत जाना। मैं आप लोगों के पास ही जा रहा था। यह है आपके रिक्वेस्ट पर की गई एक्सरे की रिपोर्ट, जिसे हमें पता चला है जल के चिपक चुके मांस के बीच रिवॉल्वर की गोलियां फंसी हैं। What? Yes, ये देखिए, गर्दन और सिर के हिस्से में। और ये गोलियां? ये नहीं। इन्हें फॉरेन बैलिस्टिक टेस्ट के लिए फॉरेंसिक के पास भेजो, और पता करो कि सुनील वर्मा के नाम पर कोई लाइसेंसी रिवॉल्वर इश्यूड है या नहीं। सर, थैंक यू डॉक्टर। सर, मकबूल ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन हमें डबल श्योर होना पड़ेगा कि बॉडी वाकई में रहना की है या नहीं। उसके लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए परमिशन चाहिए। आई एग्री विद यू। क्या है, इस केस में हम कोई भी चांस नहीं ले सकते, और जो बॉडी से बुलेट्स मिली थी सर, उन्होंने बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज दिया है, बहुत जल्दी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। सुनील की तलाश तेज कर दो, पुट अ बाउंटी ऑन हिज हेड। राइट सर। भारतीय पुलिस के इतिहास में डीएनए टेस्ट की शुरुआत इसी मर्डर केस से हुई थी, क्योंकि ये लाश रैना की है या नहीं है इसको पता लगाने का पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। रैना के माता पिता उसकी लाश को पहचानने में असमर्थ थे, इसलिए उनके डीएनए के सैंपल को टेस्ट के लिए हैदराबाद की जेनेटिक लैब में भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट को आने में अभी थोड़ा वक्त था। सुनील वर्मा अब भी फरार था। इस केस में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी दिल्ली पुलिस अपनी कोशिशों से संतुष्ट नहीं थी। हमें अपनी स्पीड तेज करनी होगी प्रभाकर, जिस स्पीड से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद। सर, बॉडी की डीएनए रिपोर्ट और उसमें से मिले बुलेट की बैलिस्टिक रिपोर्ट आने से पहले तक हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन सर सुनील वर्मा के घर, रेस्टोरेंट और गाड़ी से मिले खून के नमूनों का मैच होना भी हमारे लिए कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर अगर मैच हो जाता तो सुनील वर्मा को हम इस कत्ल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सर, एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ। इतनी रात को भी पुलिस की मदद के लिए आप आए, थैंक यू। बताइए। मकबूल वो सिर्फ रैना का कलीग ही नहीं था, बल्कि क्लासमेट भी था, और कॉलेज में भी दोनों साथ पढ़े थे। सुनील से पहले मकबूल और रैना दोनों अपने प्यार में गिरफ्तार थे। और इस खबर का सोर्स? जर्नलिस्ट अपने सोर्सेस रिवील नहीं करते इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मकबूल ने यह बात हमें क्यों नहीं बताई? चलो सर, आप अपनी डील भूल रहे हैं। मेरी दी हुई हर इंफॉर्मेशन पर आप तब तक कोई कार्रवाई नहीं करोगे जब तक। तुम्हारा अखबार प्रेस से कब निकलता है? सुबह 6 बजे। सर 6 बज गए, चलें क्या? 6 बजे नहीं है, बजने वाले। परमिंदर, इंतजार करना मुश्किल होता है, लेकिन वादा तोड़ना उससे भी बुरा होता है, तो कुछ बुरा करने से अच्छा है थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। बुलाओ उसे। hey! रुको, इधर आओ। इस घर में पेपर तू ही डालता है? जी। पेपर दे यहाँ का। या। तुम्हारी खबर छपी अखबार में, तो सोचा एक इंटरव्यू तुम्हारा हम भी ले लें। तुम्हारी और रैना की लव स्टोरी तो अखबार में छपी चुकी है, फिर भी अगर कुछ बाकी है तो यही वक्त है बताने का, वरना तुम समझते हो कि तुम
इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। कॉलेज के दिनों से मैं और रैना एक दूसरे को पसंद करते थे। वो पायलट बनना चाहती थी और फिर पढ़ाई खत्म होते ही हम दोनों ने साथ पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की। शादी करना चाहते थे हम एक दूसरे से। फिर अचानक से रैना ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्या हुआ रैना तुम्हें? हाँ, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्या? देखो मकबूल, मेरे घर वाले हमारे इस रिश्ते के खिलाफ हैं और मैं उनके खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकती। तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी दोस्ती के दायरे में वापस लौट जाएं। पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि तुम्हारे इस फैसले की वजह सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स। मैडम, ये आपके लिए। मेरे लिए? किसने भेजे? सुनील, थैंक यू सो मच। वो फूल सुनील ने भेजे थे रैना को। जब से रैना ने उस सुनील की पार्टी ज्वाइन की थी, सुनील किसी ना किसी बहाने से रैना के करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसे रैना के करीब आने का मौका मिल ही गया। कैसा मौका? रैना की एक आंटी की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। सुनील ने रैना को प्रॉमिस किया था कि वो उसके खातिर उसकी आंटी की हेल्प करेगा। फिर क्या, वो और रैना एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। लेकिन तुम भी तो हेल्प कर सकते थे इस सब में उसकी। मैं पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता था और वो सुनील प्रेसिडेंट पार्टी का। वो कर सकता था जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो क्या किया उसने? चल निकल बाहर। चल चल आजा। अरे अरे मगर तू लेके जा रहा है? कहाँ लेके जा रहे हो? हमें पहचानता है? हाँ हाँ, आपको कौन नहीं जानता। लेकिन आप इस वक्त यहाँ? पलट के अंदर जा और मकान खाली करना शुरू कर दे, वरना बेटे ऐसा कांड करेंगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। समझा? समझवा दे। सुनील जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी आंटी के लिए जो किया उसके लिए। आपसे किसने कह दिया कि हमने वो सब आपकी आंटी के लिए किया? खैर देखिए, हम निरुला जा रहे हैं लंच करने के लिए। आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा और हमारी खुशी भी। चलिए ना, खुशी डबल हो जाएगी। जी चलिए। चलिए आते हैं मकबूल। है अगर तुम्हारी कहानी को सच मान लें तो फिर तो रैना के कत्ल का सबसे पहला शक तुम पर जाना चाहिए, क्योंकि प्यार में चोट खाए आशिक से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं हो सकता। आपको लगता कि मैंने रैना को मारा है? नहीं मारा है, ऐसा भी नहीं लगता है। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं सुनील को मारता जो मेरे और रैना के बीच में आ गया था। हो सकता मार भी देते पर शायद मौका ना मिला। हजारों मौके मिले थे मुझे सुनील को मारने के लिए। मैं उसे उस वक्त भी मार सकता था जब मुझे ये बात का पता लगा था कि सुनील रैना से शादी कर रहा है सारी दुनिया से छिपकर। छिपकर कहाँ? मंदिर में, जहाँ उन दोनों के सिवा उनके माँ बाप भी शामिल थे। सुनील ने रैना से शादी तो की, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि इस शादी के बारे में पूरी दुनिया को पता चले। एक तरह से वो रैना को कैद करके रखना चाहता था, उसे ना कहीं जाने देता था ना किसी से मिलने देता था। वो सारा दिन घुट घुट के उसी घर में जी रही थी, उसका दम घुटता था सर। वो अपना गम छिपाने के लिए शराब पीने लगी, आए दिन उनके बीच झगड़े हुआ करते थे सर। वो उसे मारा भी करता था। लेकिन जब उसे किसी से मिलने की इजाजत ही नहीं थी तो तुम्हें कैसे पता ये सब?
हमारी बातें हुआ करती थी लेकिन फोन पर, और उस दिन भी उसका फोन आया था लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उस दिन हमारी आखिरी बार बात होगी। सुनील से जब ये शादी किया ना, पता वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, और ऐसी भूल जिसे सुधारा नहीं जा सकता। रैना, रैना प्लीज मेरी बात सुनो। देखो अगर तुम सुनील के साथ खुश नहीं हो और उसके साथ नहीं रहना चाहती हो तो उससे अलग हो जाओ ना, डिवोर्स ले लो उससे। डिवोर्स? वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा, कभी नहीं देगा। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता है क्यों? पावर है उसके पास, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। अच्छा रहना मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? एनी हेल्प? तुम मुझे उससे दूर भेज सकते हो? प्लीज बाबू, प्लीज मुझे उससे दूर भेज दो, बहुत दूर, इतना दूर कि वो जाके भी मुझ तक पहुंच ना पाए। कहाँ जाना चाहती हो तुम? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? हेलो, हेलो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्यों? क्योंकि वहां उसके कुछ रिलेटिव्स रहते थे इसलिए। और तुमने उसे प्रॉमिस कर दिया कि तुम उसकी मदद करोगे? नहीं सर, मेरे कुछ भी जवाब देने से पहले उसने फोन काट दिया। क्यों? मुझे नहीं पता सर, और उसके बाद उसका दोबारा फोन आया। हेलो रैना, हेलो। अब इससे पहले मैं कुछ बोलता दोबारा फोन कट गया। सर रैना के बॉडी से मिले बुलेट्स की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है, फिर से मैच। ये वही गोलियां हैं जिनके शेल्स हमें सुनील वर्मा के घर से मिले। बहुत प्रेशर है मुझ पर। इस केस की वजह से सारे देश में एक घबराहट का माहौल फैल गया है। मिनिस्ट्री से लेकर विपक्ष तक सब लोग हजारों सवाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जवाब देने के लिए बहुत कम है। वैसे सबूतों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि रैना का कातिल सुनील वर्मा ही है, लेकिन फिर भी हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। फिर भी ये सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। मैं ये मानता हूं कि कोर्ट में हम ये साबित कर देंगे कि जिस रिवॉल्वर से गोली चली वो सुनील की, लेकिन ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि सुनील ने ही वो रिवॉल्वर चलाई थी। सर अब तक जो भी सबूत मिले उसमें ना तो उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। यस सॉरी सर, लेकिन संदीप सावरकर नाम का रिपोर्टर आपसे बात करना चाहता है, कह रहा है कि रंजन सर से कुछ अर्जेंट बात करनी है। भेजो उसे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू लाइक दिस सर, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। खबर क्या है? सुनील ने मद्रास कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है। What? अब तक पूरे देश की सुर्खियां बन चुके इस हत्याकांड में फरार सुनील वर्मा ने चेन्नई, जिसे उस वक्त मद्रास कहा जाता था, वहां की एक अदालत में इंटरिम बेल के लिए याचिका दायर की। यह खबर मिलते ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ गृह मंत्रालय की मशीनरी भी काम पर लग गई। सबका मकसद सिर्फ एक ही था, सुनील वर्मा को अग्रिम जमानत मिलने से रोकना। रैना मर्डर केस इस देश की हिस्ट्री में आज तक की सबसे घिनौनी केस में से एक है, जिसमें एक औरत को पहले गोली मारी जाती है, फिर उसके बाद उसके लाश को तंदूर में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। इसके प्राइम सस्पेक्ट है सुनील वर्मा। दिल्ली पुलिस के पास पूरा पुख्ता सबूत है। सुनील वर्मा अपने राजनीतिक संबंधों का यूज करके गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। माय लॉर्ड, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल को खारिज किया जाए। हेलो, यस मिस्टर प्रधान। ब्रिलियंट, कांग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर, सुनील की अग्रिम जमानत खारिज हो गई। दैट्स ग्रेट सर, अब उसे हमारी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। सर बाहर प्रेस वाले खड़े हैं, तो मैं उन्हें ब्रीफ करके अपनी कार्रवाई तुरंत शुरू कर देता हूँ। गो अहेड। कोर्ट के सुनील वर्मा की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? सर सुनील वर्मा कहाँ है, कौन सा सबूत है आपके पास उसके खिलाफ? फिलहाल सुनील वर्मा फरार है, और हमारा अगला कदम होगा उसे पकड़कर उसे उसके किए की सजा दिलवाना।
एक मिनट रुको, मैं आता। सर, हैदराबाद के लैब ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भेज दी है। एंड एज पर द रिपोर्ट, जली हुई लाश के डीएनए के साथ रैना के पेरेंट्स के डीएनए मैच होता है। गुड, इसका मतलब हमारी जांच सही दिशा में जा रही है। हेलो, जयंत सर। क्या सूट कैसे उसका? यस। देखें क्या है? ये रिवॉल्वर और कार्ट्रिजेस हम लोग बैलिस्टिक जांच के लिए दिल्ली ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चेन्नई, जिसे उस वक्त मद्रास कहा जाता था, वहां की अदालत से सुनील वर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करवाकर पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया और दिल्ली ले आई। पुलिस के लिए इस मामले में ये पहली जीत थी। काफी मेहनत के बाद तंदूर हत्याकांड का पहला सस्पेक्ट उनके हाथ लग गया था और अब ऐसा लग रहा था कि रैना मर्डर केस का राज जल्द ही खुलने वाला था। भाई बहुत भगाया था, लेकिन एक बात भूल गया कि हर दौड़ कभी ना कभी कहीं ना कहीं खत्म होती है। अब तेरी वाली दौड़ को यहां आकर खत्म होना था तो हो गई। अब अगर करना चाहता है तो अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना अदालत में तुझे मुजरिम साबित करने के लिए सारे सबूत हैं हमारे पास। बोल, तूने ही मारा था ना नैनो? हाँ, मैंने ही मारा था जी। देखो, बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से, बल्कि गुनाह हो गया। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मारिएगा मत। आखिरकार सुनील वर्मा के इकबाले जुर्म को दस्तावेज में कैद कर लिया गया और इसी दौरान हैदराबाद से आई डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि तंदूर में मिली वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रैना की थी, जो कि सुनील वर्मा की पत्नी थी। रैना के शरीर से मिली रिवॉल्वर की गोलियों की बैलिस्टिक रिपोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि वो गोलियां सुनील वर्मा की रिवॉल्वर से ही चलाई गई थी। इन सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर पुलिस ने जो सुनील के खिलाफ केस बनाया था वो काफी पुख्ता था। पुलिस ये उम्मीद कर रही थी कि सुनील को अदालत में पेश करने के बाद एक या दो सुनवाइयों में ही उसे सजा सुना दी जाएगी, लेकिन ऐसा सोचना पुलिस की गलती थी क्योंकि अदालत में सुनील अपने बयानों से पूरी तरह मुकर गया। सर, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा है। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था सर, पर जिस दिन ये हादसा हुआ मैं तो दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो मुंबई गया होता। मैं तो वहां से लौटकर जब वापस मद्रास आया तब मुझे पता चला कि क्या हुआ। हमें यकीन ही नहीं हुआ कि रैना। सुनील अदालत में पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान से साफ मुकर गया। उसने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि वो बयान उस पर दबाव डालकर लिखवाया गया था। उसका कहना था कि वो पूरी तरह से निर्दोष था और उसकी पत्नी रैना की हत्या उसके राजनीतिक करियर को खत्म करने की एक साजिश थी जो उसके किसी विरोधी ने चली थी। दूसरी तरफ सरकारी वकील पुलिस द्वारा मुहैया कराए गए सबूतों को आधार बनाकर अदालत को उसे मुजरिम करार देने और उसके जुर्म की सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी। ऑर्डर, ऑर्डर, ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी और इस सिलसिले को पूरे 8 साल गुजर गए। शायद कई और साल गुजर जाते अगर रहम की उम्मीद और सजा के डर के कारण सुनील वर्मा के रेस्टोरेंट के मैनेजर केदार ने उसके खिलाफ बयान देने और सरकारी गवाह बनने का फैसला ना किया होता। उसने अदालत को बताया कि आखिर उस रात हुआ क्या था।
जदार। हाँ सर जी। जल्दी से रेस्टोरेंट बंद कर। क्यों सर जी, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ और गेस्ट भी बहुत बैठे हुए हैं। अरे भगा सबको। एक काम कर, लाइट बंद कर, सब अपने भाग जाएंगे। भारी क्यों है ये? ये बीवी है मेरी, मैंने मार दिया इसे। ये देख। साले अगर जबान खोली ना तो इसके बगल में तू भी लेटा होगा। अभी जा और जितना भी घी और मक्खन है सब लेके आ। उसके बाद से सुनील साहब ने मुझसे कहा कि लाश को तंदूर में डाल दो और मैं वहां से तब तक नहीं हूं जब तक लाश पूरी तरीके से जल न जाए। ये बोल के जज साहब वो वहां से चले गए और जैसे ही वो गए पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। माय लॉर्ड, इस गवाही के बाद और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस पूरी कहानी में अब भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मिसिंग है और वो है मोटिव। मेरे क्लाइंट और रैना ने लव मैरिज की थी, यानी कि प्रेम विवाह। दोनों अपना खुशहाल जीवन गुजार रहे थे, तो ऐसे में क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने अपनी पत्नी की जान ले ली? वजह थी सुनील वर्मा का पॉजिटिव। माय लॉर्ड, ये नोवल महाशय सुनील वर्मा के बहुत ही खास दोस्त है। आप जज साहब को सारी बातें सच सच बताइए। सुनील जब मुंबई में मेरे घर आया था तो बहुत घबराया हुआ था वो। इसने मुझे बताया कि घटना वाली रात जब ये घर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑस्ट्रेलिया किससे बात हो रही थी? हुँ? मुझे देख के फोन क्यों काट दिया? हेलो रैना, हेलो रैना, हेलो मकबूल, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने? अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुझसे शादी की, ये बंगला, ये गाड़ी, ये ऐशो आराम है, पर अपने यार से हिस्सा लड़ा रही तू? धोखा दे रही थी साली मकबूल के चक्कर में हमको। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। अच्छा, शादी तो कर ली तुमने मुझसे, तो कभी पत्नी का दर्जा दिया मुझे? हाँ, कौन जानता हमारे रिश्ते के बारे में? ये कुर्सी, वो पेंटिंग, ये दीवारें, ये चारों दीवारें, बस सिर्फ ये। अरे कभी तुम हमारे रिश्ते को बाहर लेकर गए समाज के सामने? चुप, अगर एक शब्द मुंह से निकाला ना मैं अब और तुमसे डर कर नहीं रहूंगी। क्या करेगी बोल? अरे तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तुम्हारी इन चार दीवार को छोड़कर जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। छोड़कर जाएंगे साली। छोड़ा बेटे। आज तक जिसे छोड़ा है मैंने छोड़ा है। अब मैं तुम्हें ऐसे ऐसे छोड़ के दिखाऊंगी। तेरे? सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए ये अदालत सुनील वर्मा को रैना का कातिल करार देती है। इट्स ए रेयरेस्ट केस ऑफ रेयर, इसलिए ये अदालत मुलजिम सुनील वर्मा को सजाए मौत का हुक्म देती है। टू बी हैंग टिल डेथ। सर जी माफ कर दीजिए। सर जी निचली अदालत ने रैना की हत्या के जुर्म में सुनील को मौत की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में उसने अपील की और हार गया। उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में रहम की भीख मांगी, जहां उसकी मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया और आज वो जेल में है। जो सामाजिक व्यवस्था हमें अपना जीवन साथी चुनने की इजाजत देती है, वही व्यवस्था हमें इस बात की भी छूट देती है कि अगर हम अपने जीवन साथी या उसके साथ अपने रिश्ते से खुश नहीं हैं तो हम उस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं।
डिवोर्स या तलाक को समाज भी मान्यता देता है और कानून भी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।